Yes, sir. जितने भी शिक्षक हैं दुनिया में जो निष्ठा से अपना काम करते हैं उनको मेरा सबसे प्रणाम। एक कहानी है गुरु ग्रंथ को समर्पित, उससे पहले कुछ लाइन। खींचता था टेढ़ी मेरी लकीरें, आपने हमें कलम चलाना सिखाया, मेरे मन में जलाकर ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधकार को मिटाया। यह एक स्कूल की कहानी है, बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से एक चार दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था, चारों हमेशा साथ रहते थे। एक बार की बात है, परीक्षा बहुत निकट आ जाती है, चारों ने कुछ पढ़ा नहीं था, उनकी तैयारी बिल्कुल ही नहीं थी। तो परीक्षा के दिन वो परीक्षा हॉल में लेट से पहुंचते हैं, जानबूझकर अपने अपने हालत को थोड़ा बिगाड़ लेते हैं, अपने कपड़े को गंदे कर लेते हैं और टीचर से जाकर बोलते हैं कि गुरु जी, मुझे हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं, कृपया हमें एक मौका दीजिए, कुछ दिन बाद हमारी एग्जाम ले लीजिए। बहुत मिन्नतों के बाद टीचर मान जाते हैं और एक सप्ताह बाद उनके परीक्षा तय होते हैं। उस बीच एक हफ्ते में वो बहुत मेहनत करते हैं, चारों बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं और परीक्षा वाले दिन बहुत सारे शीट पेपर भी तैयार करके और बहुत तैयारी के साथ एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। एग्जाम देने से पहले टीचर चारों को अलग अलग रूम में बिठा देते हैं और उनको क्वेश्चन पेपर और कॉपी दे देते हैं। जब वो चारों क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स के उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ दो ही क्वेश्चन होते हैं, पहला 1 मार्क्स का, दूसरा 99 मार्क्स का। और पहला जो था वह था कि आपका नाम क्या है, इस प्रश्न का उत्तर चारों ने लिख दिया। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि आपकी गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था, ये लिखना है आपको, जो कि चारों के अलग अलग थे, जिस हिसाब से वो चारों फेल हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि टीचर्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और कुछ ज्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि टीचर से बड़ा कोई नहीं होता, उनका ज्ञान हमेशा एक स्टूडेंट से ऊपर होता है और कुछ भी हो हमें उनका रिस्पेक्ट करना। थैंक यू अनी, थैंक यू फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट अप इज शिव तिवारी फ्रॉम डिप्लोमा। वील कम बैक अगेन टू बीजेएमसी, बट नेक्स्ट अप इज शिव तिवारी फ्रॉम डिप्लोमा। यस सर। सर माय वॉइस इज क्लियर? या इट्स ऑडिबल शिव, प्लीज गो अहेड। यस, नाउ इज इट क्लियर सर? Yes, it is clear. It's very difficult for me. Okay. So, sir, मैं आज जो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो बेसिकली सर मैंने मिथोलॉजी से कुछ चीजें ऑब्जर्व की, जिससे मैंने एक चीज देखी कि जो कर्ण थे, जैसे कि आकाश ने भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो सूर्य पुत्र कर्ण थे, उन्होंने अपने गुरु को लेकर उनको शिक्षा नहीं मिल रही थी कहीं से भी उनके कास्ट की वजह से। तो बेसिकली उन्होंने अपने आप को किस तरह से डेवलप किया और कहाँ पे उनके गुरु का रोल रहा, तो वो मैंने एक उनकी पूरी जर्नी सर लिखी है एक पोएम के तौर पे। सो मैं उसको सर प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो कहानी सर यहाँ से शुरू होती है। कवच कुंडल संग जन्म लिया, सूर्य पुत्र में कहलाया हूँ, वंश होकर कुरु वंश का सूत पुत्र में कहलाया हूँ, कुंती का पुत्र हूँ मैं, दानवीर कर्ण में कहलाता हूँ, दानवीर कर्ण में कहलाता हूँ। जन्म दिया माँ कुंती ने, माँ राधे ने मुझको पाला था, जन्म हुआ था जब मेरा तब गंगा में मुझको बहाया था, राधे का पुत्र हूँ मैं, दानवीर कर्ण में कहलाता हूँ। अब सर यहाँ पे आता है कि कहाँ से टीचर का रोल इनका शुरू हुआ, इनके गुरु का रोल शुरू हुआ। तो शिक्षा जब लेने गया गुरुकुल, गुरु द्रोण ने मुझको नकार दिया। शिक्षा जब लेने गया गुरुकुल, गुरु द्रोण ने मुझको नकार दिया, कर धारण जनेऊ गले में ब्राह्मण स्वयं को मैंने बता दिया, उपयोग कर इस मिथ्या का गुरु परशुराम से मैंने ज्ञान लिया, परशुराम का शिष्य हूं मैं, दानवीर कर्ण में कहलाया, दानवीर कर्ण में कहलाया। अब इसमें सर क्या होता है कि जब सूर्य पुत्र कर्ण जो हैं, उनको बताया जाता है कि उनकी हालत की वजह जो थी वो कहीं ना कहीं उनके श्राप, उन्हें मिले हुए श्राप थे, उसी की वजह से उनका अंतकम भी हुआ था। तो मिले श्राप कहीं तो मिले कहीं वरदान भी, मिले श्राप कहीं तो मिले कहीं वरदान भी, कवच कुंडल लिया इंद्र ने तो दिया दिव्यास्त्र भी, दिया श्राप गुरु परशुराम ने तो दिया विजय धनुष भी साथ, कुल वंश का ज्येष्ठ पुत्र हूँ मैं, दानवीर कर्ण में कहलाया, दानवीर कर्ण में। अब सर जो मेन चीज थी जो कर्ण के लिए जानी जाती है वो होता है कि वो बहुत दानवीर माने जाते हैं,
तो दान किए जीवन में इतने जिसकी कोई तुलना ही नहीं, दान किए जीवन में इतने जिसकी कोई तुलना ही नहीं, सोने का दांत दिया श्री कृष्ण को, कवच कुंडल दे दिया इंद्र को, वचन दिया माँ कुंती को, तो यौवन दिया नारायण को, सूर्य का पुत्र हूं मैं दानवीर कर्ण में कहलाया, दानवीर कर्ण में कहलाया। और इन आखिरी पंक्तियों के साथ में कविता को अंत करना चाहूंगा। सूर्य का अंश था मैं, सूर्य का अंश था मैं, कुंती का मैं पुत्र, दुर्योधन का मित्र था मैं, परशुराम का मैं शिष्य था, मैं सबसे पराक्रमी, आत्मबल का भंडार मैं कहलाता हूँ, जिसका अंत्य कर्म किया स्वयं नारायण ने, वही महान पराक्रमी दानवीर कर्ण में कहलाए, दानवीर कर्ण में कहलाए। थैंक यू शिव। नेक्स्ट अप इज पूर्णिमा फ्रॉम बीजेएमसी वन, बीजेएमसी थर्ड, सॉरी बीजेएमसी। पूर्णिमा नहीं, नहीं, अच्छा ओके। राहुल मिश्रा, ओके। रिधिमा, यस सर। सो गुड मॉर्निंग ऑल द टीचर्स एंड एवरीवन। This is my second year in GEMSEE and I'll be sharing my experience with the wonderful teachers. So, firstly, I want to talk about PC sir. I want to thank PC sir for all the guidance and the fatherly love he has for all of us, like all of the BGMC students. And he has always been helpful and supportive to us. Thank you sir for all the love and support. Then Jha sir is one of the teachers who is strict, but whenever we need him, he is always there. His experiences are very inspiring, and I am really inspired by him whenever he talks about the UN and the other things. Thank you, sir, for being there. Then Sachan sir is the one who tells us to be calm always and ignore the negativity around us. एंड जब हम लोग कुछ भूल जाते हैं तो सर एक लाइन बोलते हैं कि बेटा घर पे घी खाया करो, उससे मेमोरी तुम लोगों की स्ट्रांग होगी। सो यस, थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर। एंड देन आई वाज सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, निशांत सर। फ्रॉम माय वेरी फर्स्ट डे, निशांत सर हैज बीन अ मेंटोर एंड ही हैज ऑलवेज बीन देयर, लाइक पर्सनली फॉर मी ही हैज ऑलवेज बीन देयर। एंड लाइक not only academics, but whenever I have any problem in my life, I tend to share it with him. And in my school days also, like I had one teacher, but now I have Nishant sir, and he has always helped me, not only in my academic problems, but also whenever I had a mental breakdown, I used to message Nishant sir, ki sir, ye problem ho rahi hai, sir, please help kar dijiye. And he always replies, like, no matter at what time I message him, he always replies. So thank you, sir. Thank you for always being there. Yeah, that's it. Thank you, Ridhima. And just a note that previous 1 year, 1.5 year has been very difficult for all of us. We at GEMSEE earlier did not used to have this system where we would reply to students and WhatsApp students, but we have come to understand that mentally it is very tiring for students. And this is one of the reasons when we were discussing on the last meeting, directors have said that we should also encourage students to have these sort of activities. Maybe, you know, we can evolve some sort of mechanism where online also we can have, you know, we can see other sides of our students, where we can give avenues to students where they can express themselves. And once again, a salute to you guys that you have been, all of you, you know, irrespective of how much angry all of us sometimes get. But a salute to you guys that for 1.5 years, you have been, you know, studying, continuing and sitting in front of a screen and trying your best. We understand that. You know, thank you, Ridhima, and thank you, everybody. Shubham, next.
Shubham, your mic is not on. I think Shubham has disconnected. Okay. So up next is students from MJMC 3, Aastha. Okay. Kanchan? Sir? हाँ विमल बोलिए सर कंचन शायद इंटरव्यू देने गई है तो उसने एक वीडियो भेजी है तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ओके विमल ओके या मैंने आपको भेज दिया वैसे अगर आप दिखा देते अच्छा मैंने एक्चुअली विमल आई डोंट नो वेयर इज माय फोन शेयरिंग की परमिशन मैं शेयर कर देता हूँ आप अभी परमिशन दे देता हूँ आप शेयर कर लीजिए है ना बिकॉज आई एम नॉट श्योर लाइक आई हैव गिवन यू द परमिशन Please go ahead. विमल अगर हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दोगे फोन को तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा अभी बहुत छोटे में आ रहा है एक बार हॉरिजॉन्टल करके हाँ लैंडस्केप मोड में कर दो फोन को टेढ़ा कर लो बस हाँ अब प्ले कर दो Vimal, you can stop sharing. A very beautiful presentation and a hidden talent, I must say. I have known thoda bahut about that she sketches, but this was beautiful. And everybody, actually, while the video was playing, everybody was clapping yahan pe. So actually, I had to mute the video. It was a very beautiful presentation. And we wish that she was here. We could have congratulated her, in person. But that's okay. Next up is Ritika. Sir, Ritika ka aaj doctor ka koi appointment tha, to wo uski wajah se abhi meeting thoda late join kar payegi aaj. Okay. No issues. Okay. Next up is Ankit, diploma. Ankit Kunwar. Me? Ravind Kumar. Shivdat.
Shivdat is disconnected. Okay. Komal? Yes, sir. सर एक्चुअली मुझे ना ऐसे पता नहीं था कि स्पीच जैसा मतलब मैंने अभी मॉर्निंग में आज मेल देखा है बट फिर भी मैंने ना अभी दो लाइंस सिर्फ लिखी हैं तो मैं वो दो लाइंस ही बोल सकती हूँ. हाँ प्लीज गो अहेड, इट्स ओके. ओके. गुरुजी बिना ना मिले ज्ञान, गुरुजी का सदैव करे सम्मान, गुरु ही दिशा निर्देशक हमारे, हमेशा हम रहेंगे आभारी तुम्हारे. सर बस इतना ही. थैंक यू कंचन. मतलब लेकिन सर मतलब इसका मीनिंग भी बहुत ही डीप है कि टीचर्स ही हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं. अगर टीचर्स नहीं होते तो हम उतना नहीं सीख पाते जो हमें रियल लाइफ में मतलब जरूरत है सारी चीजों की मतलब नॉलेज की जितनी. तो हमेशा हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए. वो हमें मतलब हमें मतलब दिशा दिखाते हैं. जैसे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इस वाली सेंटेंस को बट हाँ मतलब हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जो लाइफ है मतलब उस पाथ पे जो चलने का हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं और हम हमेशा उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने इतना सब सिखाया और हमें इस कैपेबल बनाया कि हम इस लाइफ में और अच्छा कर सकें, सक्सेसफुल हो चुके हो सके और इंटेलिजेंट हो सके मतलब. और सर बस इतना ही. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ मतलब ऑल ऑफ सारे टीचर्स को मतलब थैंक यू. थैंक यू कोमल. थैंक यू. ऑल्सो एन एडवाइस टू अदर स्टूडेंट्स, अगर if you have a presentation based on a poem or if you are presenting a poem, please feel free to also, you know, explain it. That is fine. Usme itna matlab you can explain that sentiment and the sentiment behind it. So that is just a small message to all of you. Shivani, up next is Shivani. Yes, sir. Yeah, please go ahead, Shivani. सर वो मैंने मतलब मुझे टाइम नहीं मिला था ज्यादा तो मैंने कुछ नॉर्मल एक राइम प्रिपेयर किया है तो मैं बस वही सुना रही हूँ. ओके सर प्लीज गो अहेड. सर मैं वीडियो ऑफ कर लूँ ना, मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ. हाँ तो सर मैं स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ये राइम लिखा था स्कूल के टीचर्स को लेके, सॉरी कॉलेज के टीचर्स को लेके, तो उस हिसाब से है ये. और मैंने अपने बारे में और जिमसी के लिए जो भी मेरा थैंकफुलनेस है उसको इसमें दिखाने की कोशिश की है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. छोटे से एक शहर की मैं मीडिया इंडस्ट्री से थी अनजान, हूँ आभारी आप शिक्षकों की जो मिला आपसे विद्यादान. अता पता कुछ था नहीं, जर्नलिज्म का था कुछ ज्ञान नहीं, मीडिया हिस्ट्री में तो थी मैं पूरी तरह अबोध, झासर ने कराया रिपोर्टिंग एंड मीडिया हिस्ट्री का बोध. क्या पता था हमें कि कैमरा कैसे चलाते हैं, अच्छे फोटोग्राफिंग वाले सिस्टम तो फोन में भी आते हैं. जाना ये बात जब सचान सर ने बताई, भाग्यशाली हूँ मैं जो जिमसी कॉलेज आई. मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज ने हमें किया परेशान नहीं, रिसर्च एंड मेथडोलॉजी थी बिल्कुल भी आसान नहीं. आज कह सकती हूँ सबसे कि हाँ कुछ अच्छी थ्योरीज जानती हूँ, इस ज्ञान का दाता मैं निशांत सर को मानती हूँ. गीतिका मैम ने हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ाया है, कैसे करते हैं स्क्रिप्टिंग और वीडियो एडिटिंग भी बताया है, सिलेबस से ज्यादा उन्होंने हमारी मदद की है. कोर्स के साथ साथ हमारी करियर काउंसलिंग भी की है. हर लड़की के लिए वो एक प्रेरणा भी है, वर्किंग वुमन की बेस्ट एग्जाम्पल गीतिका मैम ही है. हिंदी मीडिया के लिए हिंदी लिखना जरूर आना चाहिए, कैसे करते हैं ट्रांसलेशन ये भी जानना चाहिए. पीसी सर से लिया हमने इन चीजों का ज्ञान. सर अब वन सेकेंड भैया जरा दो मिनट के लिए बस मत करिएगा ना उसको. पीसी सर से लिया हमने ओफो, सर बस एक सेकंड करो, दो गेट बंद करो. हिंदी मीडिया के लिए हिंदी लिखना जरूर आना चाहिए, कैसे करते हैं ट्रांसलेशन ये भी जानना चाहिए. पीसी सर से लिया हमने इन चीजों का ज्ञान, शिक्षा में हमारे उनका खास योगदान. अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने पढ़ाया है पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सिखाया और बताया कैसे करें टैगलाइन क्रिएशन. वो शिक्षक भी हैं हमारी और वो दोस्त भी बन जाती हैं. सबसे इंटरेस्टिंग टीचिंग है जिनकी वो तान्या मैम कहलाती हैं.
over sir. Thank you sir. Sorry for the interruption. It's okay Shivani. Thank you Shivani for a wonderful presentation. Vimal Tyagi, up next is Vimal Tyagi. Yes sir. तो सबसे पहले मैं हम सभी की तरफ से चार लाइनें कहता हूँ. जिनको देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण, जो बनाते हैं इंसान को इंसान, ऐसे गुरुओं का हम सब करते हैं प्रणाम. सर मेरी एक जीवन जीना सिखाते हैं आप, ये चार कुछ लाइनें हैं. सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप. झूठ क्या है और सच क्या है, ये सब समझाते हैं आप. जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप. जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप. बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप. सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप. जीवन जीना सिखाते हैं आप. थैंक यू विमल, थैंक यू फॉर दैट प्रेजेंटेशन. Up next, we have Tanu Singh from BJMC3. Good morning, teachers. Sir, ये स्टोरी जो है मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ी सी कॉल टीचर्स की थोड़ी बुराई भी है. एक सेकेंड सर. गुरु की है बात, माँ से हुई शुरुआत. माँ ने डांटा, माँ ने पीटा, सबसे पहले माँ से ही सीखा. बात करने का सलीका, आगे बढ़ने का तरीका. स्कूल के पहले दिन से अब तक की यादों को पिरो कर लाई हूँ. अच्छा बुरा जो भी हो, सब कुछ संजो कर लाई हूँ. A for apple, B for ball. I wanted to shout ma'am, I already knew all. My mama was a star, my mama was my teacher. She taught me all. बात करूंगी अपने एक प्रिंसिपल की, जो मेरे लिए टीचर नहीं भगवान थे. बाद में पता चला उनकी बातों से कि वो तो हवस से भरे हैवान थे. अभी उन्हें जवाब देना बाकी है, अभी मुझे भी उन्हें बहुत कुछ सिखाना बाकी है. वक्त एक सीख है जो वक्त ने सिखाया है. गुरु भगवान है, मगर याद रखना मेरे दोस्तों, गुरु के भेष में कुछ यहाँ रावण तो कुछ यहाँ राम है. कॉलेज के दिन में नए नए टीचर से था पड़ा पाला. कुछ ने तोड़ दिया मेरा विश्वास, कुछ ने बड़े प्यार से संभाला. मगर कॉलेज के इंस्टीट्यूट में ऐसे सर को भी पाया, जिन्होंने स्टूडेंट नहीं एक दोस्त की तरह था मुझे समझाया. इतिहास जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को जिन्होंने बायोलॉजी जैसा बनाकर पढ़ाया. मैंने भी हार ना मानी और उनके विश्वास को जिताया. अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को पीछे छोड़ उनके नाम का परचम लहराया. वक्त निकलता गया, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में ना कोई इसे रोक पाया. पीछे पीछे मेरे चल रहा था मेरे परिवार की उम्मीदों का साया. अभी संभाला था होश, नया नया था जोश. हमारे कुछ दोस्तों को यूनिवर्सिटी में हीरो बनने का था शौक. मैं गिरती संभलती दौड़ती गाती जा रही राग थी, क्योंकि मुझ में शुरू से ही आगे बढ़ने की आग थी. ओफो, वैसे अपना सही से इंट्रो तो दे दूं यारो, वरना आप लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे. मैं यहाँ बोलती रहूंगी और आप मुझे कॉलेज में ढूंढते रह जाएंगे. हाय, आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ बैच 2021, या फिर यू कह लीजिए बदतमीज बैच. इसके पीछे भी एक बड़ी कारण है, क्योंकि हमने हमेशा अपनी की मनमानी है. सॉरी टीचर्स, गुस्सा तो सॉरी फर्क तो तब पड़ा जब पीसी सर ने कभी मेरा नाम नहीं बुलाया. पर दिल के बड़े अच्छे हैं, बहुत कुछ इन्होंने हमें सिखाया. सर एक किताब है जिन्हें पढ़ना हमारा ही काम है. छा सर थोड़े शांत है, मगर अंदर झांक कर तो देखो यारो, ज्ञान का गोदाम है. निशान सर कॉलेज के वो टीचर है जिन पर आता सबको क्रश है, मगर इनसे मिलकर देखो, गुरु के भेष में बैठा एक दोस्त है. गीतिका मैम से मिलना अभी हुआ नहीं, मगर मिलन की जल्दी है, वक्त की धीमी है रफ्तार. मैंने तो स्ट्रीट प्ले के लिए स्टोरी भी कर ली है तैयार. डियर मैम प्लीज आ जाइए. इनके मेल से बच्चे हर बारी होते हैं परेशान, मगर ध्यान से इनको समझो यारो, ये सर ने, ये तो है भगवान. ऐसे ही है हमारे शोभरन सर की शान. सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबकी पसंदीदा, गेस कौन, तान्या मैम. इनके साथ तो हैंग आउट करने जाना है, क्योंकि करना है मुझे चिल मोड ऑन. आगे बढ़ते हैं. गाता रहे मेरा दिल, गाने का है शौक, हाथ में रखे कैमरा और पॉट. जी हाँ, ये है हमारे सचान सर का रॉब. पैंडमिक के टाइम पर अकाउंट्स को जिन्होंने अच्छे से है संभाला, वो है हमारे अकाउंटेंट वाले सर. देवेंद्र सर, विजय सर, अशोक सर, आप भी है हमारे कॉलेज की एक बड़ी आस, इसीलिए तो आप है सबसे खास. मोहंती सर, आपका बहुत बहुत आभार है, जो आपने संभाला हम बच्चों का अपने सर पे भार है.
अच्छे टीचर्स ने हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया और बुरे टीचर्स ने भी हमें कुछ ना कुछ जरूर है सिखाया। जो मेरे मन में था वो सब कुछ मैंने कह दिया, अब कैसा था वो तो पता चलेगा, आपने इसे कैसा लिया। थैंक यू। थैंक यू दानू फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फ्रॉम बीजेएमसी 5। इफ एनी स्टूडेंट फ्रॉम बीजेएमसी 3 हु वाज नॉट एबल टू प्रेजेंट, जो पहले उपस्थित नहीं थे और अभी हैं, तो अगर आप अपना प्रेजेंटेशन देना चाहें तो बता दीजिए, नहीं तो हम फिर बीजेएमसी 5 पे चले जाएंगे। डिप्लोमा बीजेएमसी 3 में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रह गया है। ओके, सो आई थिंक लेट्स गो टू बीजेएमसी 5 नाउ। अमित कुमार, एक्सक्यूज मी सर। यस नरगिस बताइए। यस सर। मैं अमित, एक सेकंड अमित जी। नरगिस बताइए। सर मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। नरगिस, वुड इट बी पॉसिबल, आप न्यू बैच से हैं ये? यस सर। आप बीजेएमसी 5 के बाद तक के लिए रुक सकती हैं? ओके सर। ओके, सो वी विल गेट बैक टू यू व्हेन वी गेट बैक टू द न्यू बैच। ओके सर। अच्छा, सॉरी सॉरी निगारिस, सॉरी। ओके अमित कुमार, यू कैन गो अहेड। यस सर। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे शिक्षक आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे कि 5 सितंबर क्यों खास है, क्योंकि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मनाते हैं। एक बार सर इनके मित्र ने बोला कि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर आपको जन्मदिन ही मनाना है तो मेरा जन्मदिन ना मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो अच्छा रहेगा। जब यह भारत के राष्ट्रपति बने तो 5 सितंबर 1962 में पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो सर मैं एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ, वो विमल भाई ने पहले ही सुना दी है। सही क्या है गलत क्या है यह सब बताते हैं शिक्षक, झूठ क्या है और सच क्या है यह सब समझाते हैं शिक्षक। जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं शिक्षक। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं शिक्षक। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं शिक्षक। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन को जीना सिखाते हैं शिक्षक। थैंक यू सर। थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल पोएम। मेरा रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, है ना। इन एक्सेप्शनल फ्यू केसेस वी डू अलाउ, आप जब नहीं ऑन करते हैं, बट प्लीज एज अ जनरल सेंटिमेंट लेट्स ऑल्सो लेट अस हैव अ लुक एट यू गाइज व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग। नेक्स्ट अप इज अंशिता पाठक। ओके, भाग्य लक्ष्मी यादव। जूही कुमारी, पहली बात तो किसी भी टीचर को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये मेरे लिए टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो शिक्षक का जो वर्ड है, ये शायद ही कोई इसको हेलो जूही, आपका आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से ट्राई करिए, माइक को नहीं तो पास में कर लीजिए। हाँ बोला तो ईयरफोन नहीं। इंदु, कैन यू टर्न ऑफ योर माइक। हेलो जी, आ रही आवाज, बोलिए जी।
सर मुझे नहीं पता मेरे पोएम के जो वर्ड्स है वो अट्रैक्टिव ना हो, बट जो मुझे लगा मैं उतना कर रही हूँ और मैं आप लोगों के सामने उसे रखना चाहती हूँ। गुरु बनकर आपने अपनी जिम्मेदारी को गले लगाया, गुरु बनकर आपने अपनी जिम्मेदारी को गले लगाया, आपकी छाया में आगे बढ़ने का सुअवसर हमने पाया। ये केवल मेरी नहीं युगों युगों की बात है, ये केवल मेरी नहीं बल्कि युगों युगों की बात है, गुरु आप हमें मिले ये बहुत बड़ी सौगात है। गुरु की कृपा से ही राम बने एक योद्धा वीर, गुरु की कृपा से ही राम बने एक योद्धा वीर, गुरु की निंदा करने से ही दुर्योधन ने खाए थी। याद करो चाणक्य गुरु को चंद्रगुप्त सम्राट बनाया, याद करो चाणक्य गुरु को चंद्रगुप्त सम्राट बनाया, गुरु के बल पर ही उसने एक नया इतिहास रचाया। कभी डांट कर कभी मार कर आपने अपना प्यार जताया, कभी डांट कर तो कभी मार कर आपने अपना प्यार जताया, कभी गलती बताकर कभी गलती छुपाकर आपने दोस्त बन हमारा हौसला बढ़ाया, कभी अपने लिए कभी औरों के लिए आपने हमें लड़ना सिखाया, कभी अपने लिए तो कभी औरों के लिए आपने हमें लड़ना सिखाया, बनकर ढाल हमारी उज्जवल भविष्य का सूर्य उगाया। क्या सच में हो सकता है कुछ भी गुरु के दान बराबर, क्या सच में हो सकता है कुछ भी गुरु के दान बराबर, जब एकलव्य ने काट अंगूठा गुरु समक्ष रखी धरा पर, पल भर में ही खंगाल लेते हमारी अज्ञानता की गहराई, पल भर में ही खंगाल लेते हमारी अज्ञानता की गहराई, मुसीबत जब भी हमारी नादानियों की वजह से आई, आदर्शों की पाठ पढ़ाते जीवन को सवारते हैं, आदर्शों की पाठ पढ़ाते जीवन को सवारते हैं, फूल के जैसे खिल करके खुशबू सबको महकाते हैं। माँ बाप और गुरुदेव का ना कभी भी पड़े अकाल, माँ बाप और गुरुदेव का ना कभी भी पड़े अकाल, क्योंकि इनके ही बस में है नेकी कर दरिया में डाल। थैंक यू सर। थैंक यू जूही, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल प्रेजेंटेशन। कशिश, ओके, रचना सिंह, कुसुम, कुसुम आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। मिलेश कुमार, नम्र, यस सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो नम्र अपना वीडियो ऑन कर लो नम्र। सर आई एम आल्सो वेरी नर्वस, सो दिस टाइम प्लीज सर फ्रॉम तो हम लोग मीडिया में इसलिए तो ही आए ना कि हमने अपना नर्वसनेस खत्म करना है, है ना, स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट, ये खत्म करना है हमें, है ना सर। स्टेज फियर नहीं है, बस कैमरा ऑन करने का फियर है, बिकॉज़ ठीक है, बट सर नेक्स्ट टाइम आई वुड डेफिनेटली स्पीक। ओके ओके, स्टार्ट कर। सो टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ हैप्पी टीचर्स डे। सो आई वुड लाइक टू बिगिन माय शॉर्ट स्पीच बाय कोटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर। Once while addressing an event, he said, education means enabling the mind to find out that ultimate truth which emancipates us from the bondage of dust and gives us wealth, not of things, but of inner light, not of power, but of love. So a teacher is not someone who is solely confined to the four walls of classroom. Actually, it's quite contrary. A teacher is the sum total of wisdom, experience, kindness, discipline, and compassion. In fact, what I get to see in our teachers of GEMC is that they are so, you know, enlightening and inspiring at each and every moment. They speak so politely.
They talk, they act timely and wisely. So each and every prospect word seems to lose its virtue, for such is the philosophy of life and expansion of knowledge and wisdom. So an intellectual and spiritual guide, a teacher guides the student with the purest intention of seeing them spread their wings and take to the skies. They prepare us for the real world, who want nothing but to see us happy, successful, and unbeaten. Even during these hardships, they are always there to get us up and going. So a teacher's place is one of respect, and every teacher who toils hard for the betterment of a room full of students is actually striving for a better future of a nation. So on this special occasion, I want to pay my heartfelt respect to our teachers who taught us to hold our heads high despite all odds. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Up next is Nishant. Nishant Dikshit. Sir, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है निशांत आपकी. सबसे पहले तो आप सभी को Happy Teachers Day. और जैसा कि माँ और गुरु के लिए कुछ लिखना ये ऐसा ही है कि समुद्र की गहराई ना होना. तो शायद मैंने उतना तो क्लिष शब्द नहीं लिख पाए, मगर जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, उसी को मैंने लिखा और अभी लिखा है, इसीलिए मोबाइल से पढ़ रहा हूँ. है मेरा ओरिजिनली कि पंखों को उड़ान देते हो आप, पंखों को उड़ान देते हो आप दबी कुचली आवाज को, दबी कुचली जवान को भी सुधार देते हो आप, दबी कुचली जवान को भी सुधार देते हो आप. कहाँ लगेगी बिंदी, कहाँ लगेगी बिंदी और कहाँ लगेगी चंद बिंदी, इसके अंतर को बखूबी समझाते हो आप, इसके अंतर को बखूबी समझाते हो आप. सरहद की लड़ाई से लेकर घर से भागी लुगाई तक, सरहद की लड़ाई से लेकर घर से भागी लुगाई की खबर को कैसे बनाना हेडलाइन, ये चंद मिनटों में समझा देते हो आप, ये चंद मिनटों में समझा देते हो आप. अखबार बिक के छपते हैं या छप के बिकते हैं, अखबार बिक के छपते हैं या छप के बिकते हैं, इस गुप्त राज को बड़े सहज अंदाज में समझा देते हो आप. ही हो वो पारस मणि, आप ही हो वो पारस मणि जो लोहे को भी स्वर्ण बना देते हो, लोहे को भी स्वर्ण बना देते हो. कुपोषित को पोषित कर समाज के लिए दर्पण बनते हो आप, समाज के लिए दर्पण बनते हो. अमेजन में लगी आग हो या पिघलते पहाड़ हो, अमेजन में लगी आग हो या पिघलते पहाड़ हो, आगामी परिणाम क्या होगा इस सभी का एहसास करा देते हो आप. बहू ससुर संग फरार हो या आजम खां की भैंस को पुलिस की दरकार हो, इन खबरों को कैसे मसालेदार बनाना है उसके सूत्रधार हो आप. गुरु के बारे में कुछ, गुरु का गुणगान करना इतना आसान नहीं होता, अगर इतना ही आसान होता तो रघुराम राजन के गुरु डॉक्टर आलोक को आदिवासियों के बीच नहीं मर्सिडीज कार में होना होता. ग्लैमर की इस चकाचौंध में टीवी में कैसे बनानी है जगह, मैंने कीतिका मैम से सीखा है. मे में लगेगी बिंदी और वर्ब से होगा सेंटेंस का एंड, पीसी सर से सीखा है. कैसे करें अपने विचारों को बलवान, झा सर की जुबानी समझाए. जमीन पर रहकर भी आसमान की बुलंदियों को छूना है, कैसे छूना है ये निशान सर के आचरण से सीखा है. कैसे करें जीवन के बेहतरीन लम्हों को कैमरे में कैद. और क्या है आईसो और अपर्चर में अंतर, सचान सर से बारंबार सीखा है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू निशांत, थैंक यू फॉर अ वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन. अप नेक्स्ट इज पारितोष. प्रबल, प्राची, प्रवीण कुमार, प्रेरणा मिश्रा, ऋषभ गोयल, रानू कुमार, सक्षम सत्यम,
शिवम पांडे, सोनू कुमार, ओके सोनू प्लीज गो अहेड। सर मेरा एक कुछ लिख नहीं पाया, आइडिया एक्सचेंज टाइप का है कि हम आज जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पे शिक्षक की कितनी कमी है और आने वाले हम जैसे अपना जो बीज है उसको कैसे हम सिंचाई कर रहे हैं, उसी पे हमारा आइडिया एक्सचेंज है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भारत के इतिहास, भारत के भविष्य और वर्तमान जो भी है उसको सींचने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षक एक कुम्हार की तरह होते हैं, शिक्षक एक कुम्हार की तरह इसलिए होते हैं कि वो मिट्टी के कच्चे बर्तन को यानी अपने शिष्य को एक शेप दे सकते हैं। शेप देने का मतलब है कि वो जिस तरह चाहे वो अपने शिष्य को उस दिशा में बना सकते हैं, और शिक्षक कभी नहीं चाहते हैं कि उनका जो शिष्य है वो कभी नकारात्मकता उसके अंदर आए, और वो हमेशा पॉजिटिव वाइब देते रहते हैं। जीवन में शिक्षक का जो योगदान होता है हमारे माता पिता के योगदान से कई गुना बड़ा होता है। माता पिता के पास हम एक छोटा सा एक मामूली सा समय बिताते हैं, लेकिन हम अपने गुरुजन के पास एक अपने लाइफ का सबसे बड़ा जो समय होता है उसको बिताते हैं अपने गुरु के पास। तो इसको लेकर के चाणक्य जो कि सबसे बड़े गुरु माना जाता है भारत में, वो बताएं कृष्ण के बाद सबसे बड़ा गुरु जो माना जाता है वो चाणक्य को माना जाता है। तो उन्होंने कहा, एक बार कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो शिक्षक होते हैं वो प्रलय और इनका कहना है कि प्रलय और निर्माण जो निर्माण होता है वो शिक्षक उस निर्माण को करते हैं कि जो हमारा जो भविष्य होगा वो एक सुंदर भविष्य होगा, जो भारत का भविष्य हो या कहीं पे भी जाए वो उनका जो भविष्य होगा वो कहीं ना कहीं उज्ज्वल होगा। लेकिन आज आप करंट सिनेरियो की अब चलते हैं, बात करते हैं करंट सिनेरियो में, देखते हैं हमारे क्या सही में शिक्षक ऐसे शिक्षक दे रहे हैं जो चाणक्य और कृष्ण ने जो कल्पना की थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान आया था, जिसमें जिसका लक्ष्य था कि जो गरीब से गरीब तबके के जो लोग हैं वो उनको उन जो गरीब से गरीब तबके के लोग के लोगों के बच्चे हैं वो स्कूल में जाएंगे और उनको मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन क्या ये धरातल पे है अध्यक्ष महोदय, इसकी जानने की जरूरत है। अब मैं एक NDTV का रिपोर्ट देख रहा था, वहां पे बताया गया था कि करीब करीब पूरे भारत में 1,000,000 जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वहां पे शिक्षकों की भर्ती अभी खाली है, वहां पे पद खाली है। क्या हम ऐसे अपने भविष्य को संवार रहे हैं कि जहाँ पे शिक्षक नहीं है जो कि एक बीज को पूरा सींचता है, उसको शेप देता है कि कैसे हमारा भविष्य होगा, तो वहां पे शिक्षकों की अपार कमी है, उसको लेकर क्या हम इतना भी चिंतित नहीं हो सकते कि हमारा जो भविष्य हमारे जो आगे चलकर जो भारत का भविष्य होगा वो अंधेरे में जा रहा है। क्या हम अकेले, में आपको बताना चाहूंगा कि अकेले छत्तीसगढ़ में सिर्फ 11,000 शिक्षकों की रिक्त पदे हैं। आप सबसे ताज्जुब की बात होती है कि बिहार को लेकर, कि जहां पे बिहार एक युग गुरु था और कभी चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती हुआ करती थी बिहार, वहां पे शिक्षकों की इतनी कमी है। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, NDTV से मैं आंकड़ा उठाया हूँ कि 1.4 लाख सिर्फ बिहार में शिक्षकों की रिक्तियां हैं। क्या हम ऐसे भविष्य को संवार रहे हैं? आप ऐसे देखिए कि एक खबर आ रही थी कि एक JP के विचारधारा को जो वहां के सिलेबस से हटा दिया गया। महोदय, आप महान जेपी और उनके विचारधारा को हटा करके आप एक ऐसे तथाकथित विचारधारा को आप ला रहे हैं जिसमें कि कई बार उनके पीछे फेलियर का एक टैग लगा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बखूबी आप लोग समझ चुके होंगे कि जो JP का जो विचारधारा था उसको हटा करके एक तथाकथित फेलियर लोगों का जो आप विचारधारा को थोप रहे हैं, क्या ऐसे हम भविष्य को संवारेंगे? एक और खबरें मैं पढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ की खबर है, वहां पे MBBS छात्रों को RSS की विचारधारा को थोपने की बात की जा रही है। क्या हम ऐसे हम अपने भविष्य को सींच रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं ये देखने को आता है कि हमारे जो खामियां कई सारे हैं, लेकिन उससे भी ये देखने को आता है कि हमारा जो नौकरशाह के साथ साथ जो हमारा जो मंत्री है इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। एक तो नौकरशाह का तो होता है कि उनको मंत्रियों के अंडर में होता है, लेकिन हम जिस मंत्री को चुनकर भेजते हैं क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है।
क्या उनके बच्चे जो नौकरशाह हैं, मंत्री हैं, जो बड़े पदों पे हैं, आज उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? बात करते हैं हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की, जो सब सब पढ़े सब बड़े। क्या प्राइवेट स्कूल है? आजकल का जो शिक्षण संस्थान है वो माफियाओं की शिक्षण संस्थान हो गया है, जो कि वहां पे तथाकथित माफियाओं का जो बोलबाला हो गया है। आज जो सरकारी स्कूलों के पास एक अपना एक स्ट्रक्चर नहीं है जहां पे बच्चों को एक मूलभूत सुविधाएं दिया जा सके। बात करते हैं स्कूलों में मिड डे मील की कई जगह पे तो मिड डे मील अच्छी तरीके से मिलती है, लेकिन कई जगह पे तो उसकी सिर्फ नाम पे फंड आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं। इसका साक्ष्य कई जगह पे मिलता है। लेकिन क्या एक और आपको मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने शिक्षक की कमी है, चलो गेस्ट टीचर उठा लाते हैं। भाई गेस्ट टीचर से उठाने से ये नहीं होगा, गेस्ट टीचर आएंगे आपको एक सीमित दायरे में पढ़ा कर चलाएंगे, जो परमानेंट टीचर होंगे वो आएंगे कि सारा कुछ बता करके जाएंगे। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी जो कभी किसी दौर में पटना यूनिवर्सिटी का बोलबाला था, आज वहां पे शिक्षकों की इतनी कमी है कि पटना यूनिवर्सिटी आज डूबने के कगार पे है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बार बार बात, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे उसी की तरह वहाँ पे जो वहाँ की जो सिस्टम है वो लाचार होती जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की इतनी कमी है कि वहाँ पे गेस्ट टीचर को बुलाया जाता है। गेस्ट टीचर को वहाँ पे सिर्फ एक एक हर एक साल में उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको अगले साल फिर वैसे ही पढ़ाना होगा। अगर उन सारे टीचर्स को एक एग्जाम के थ्रू एग्जाम कैंडिडेट करके अगर हम एक उनको एक मेन स्ट्रीम में लाएंगे तो वही शिक्षक क्या होगा कि अपना 100% देंगे, प्लस में उनको एश्योरिटी रहेगा कि हाँ हमारा ये परमानेंट जॉब है, प्लस में हम उसको अपने दायित्व को अच्छे तरीके से निभाएं। शिक्षक हरेक कोई होता है, हर एक शिक्षक होते हैं कि जो परमानेंट ना होकर भी अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन एक जो होता है, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था जहां से पढ़ा रहे थे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वहां पे कई सारी गवर्नमेंट है वहां पे शिक्षक को कई साउथ की जो आंध्रा और केरल की जो कई सारे एग्जाम्पल दिए थे सर ने, वहां पे 70% सिर्फ जो कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च होता है। लेकिन आज देखिए कि जो जितने भी अदर स्टेट हैं उन जो पिछड़े हुए हैं उनमें सबसे बड़ी मूलभूत जो ढांचा की जो कमी है वही है कि अपने जो शिक्षक हैं और जो भविष्य का निर्माता करने वाले हैं उनको बिल्कुल तरजीब नहीं दिए जा रहे हैं। अगर हम जितने भी शिक्षक हैं अगर एक उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास जितने भी शिक्षक हैं एक हर एक समय समय पर उनको एक एंट्रेंस लिया जाए और उनको देख जांचा जाए कि इनका जो नॉलेज है वो कितना गेन हुआ है कितना नहीं हुआ है। क्योंकि आप एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन ऑनलाइन में आप का दौर आया तो कई मतलब ऐसा हो कि किसी को चलाने नहीं आ रहा था। तो ऐसे समय समय पर सारे टीचर्स को वो देना चाहिए, ट्यूटोरियल देना चाहिए कि आप ऐसे आइए, जो टेक्नोलॉजी का दौर है आप उससे अपने आप को कंप्लीट कीजिए। लेकिन आज के समय में हमारे पास बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। आप मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, बिहार का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि स्मार्ट क्लास तो हमारे बन गया है, नीतीश गवर्नमेंट स्मार्ट क्लासेस बना दिए, लेकिन वहां पे टीवी पे वायरल हो रहा है भोजपुरी सॉन्ग। क्या हम ऐसे बच्चों का भविष्य सिक्योर कर रहे हैं? क्या हमें थोड़ा सा भी इस पे सोचने की बात नहीं है? अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं एक और कोट करना चाहूंगा कि आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को राजनीति का अड्डा बना देते हैं, क्या ये सही है? कई मायनों में यहाँ पे देखा जाएगा कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे कई सारे ऑफिसर दिए हैं, कई सारे मंत्री दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेएनयू की, वहां पर जहाँ से निर्मला सीतारमण निकली है, जहाँ से हमारे आदरणीय कई सारे सर निकले हैं, लेकिन वहां पे एक दौर में आकर के आप राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है शिक्षा के लिहाज से। आज शिक्षक दिवस के मौके पर हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा राजनीति का अखाड़ा बना करके हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और देखा जाता है कि जब राजनीति के लिहाज से जब बात आती है तो देखा जाता है कि अगर कोई प्रोफेसर अगर सरकार की नाकामियों पे हल्का सा भी अगर अपना छींटा डाल देता है तो उसको क्या किया जाता है कि फायर कर दिया जाता है। क्या हम ऐसे हम अपना भविष्य संवार रहे हैं? बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो कि आपके समयावली में बड़े पद पर रहे थे लेकिन प्रोफेसर बने, तो फिर बाद में आपके नीतियों के ऊपर सवाल उठाए तो फिर बाद में उनको फायर कर दिए। क्या हम ऐसे भविष्य को संरक्षित कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय,
हमको ये आधारभूत जो मूल सुविधाएं हैं उस पर ध्यान देना होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कई सारे जो कम्युनिटी है वहां के उनके जो कब्रिस्तान और जो भी है वहां पे आप बाउंड्री दे देते हैं, लेकिन हमारे जो मूलभूत ढांचा होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को रख रखा होना चाहिए वहां पे बाउंड्री देना चाहिए, वहां पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या हम ऐसे अपना भविष्य संवार रहे हैं? बच्चे स्कूल से समय पर नहीं जा रहे हैं, बच्चे को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्या हम बात करते हैं ओलंपिक में मेडल लाने की? क्या आपको ये पता है कि जो भारत में खेल को कितना तारीफ दिया जाता है, खास करके जो पिछड़े राज्य हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया। बात करते हैं कि हमारे ओलंपिक में मेडल नहीं है। बिहार में आज तक एक भी ऐसा अभी योजना, हाल के दिनों में अभी एक आया है, लेकिन पिछले साल तक एक भी योजना नहीं था कि जो जहाँ पे हम खेल को तहरीज देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा जो भविष्य है और जो शिक्षकों का भविष्य है, क्योंकि अगर शिक्षकों को एक एश्योरिटी मिले कि हाँ यहाँ पे मेरा परमानेंट है, यहाँ पे हमें अब सिर्फ यहाँ पे मुझे पढ़ाना है, उनको सिर्फ पढ़ाने का ही एक कार्य सौंपा जाए कि सिर्फ शिक्षक हो तो पढ़ाएं, उनको और कुछ में नहीं किया जाए। आज शिक्षकों को चुनाव के समय में आप उनको काउंटिंग करने के लिए दे देते हैं, आप वैसे शिक्षकों का चुनाव कीजिए ना, एग्जामिन कीजिए, फिर उसके बाद उन शिक्षकों को ऐसे कीजिए कि जो आपके एग्जाम को क्रॉस कर रहे हैं उनको आप शिक्षक के लिए दीजिए, लेकिन जो उसी में भर्ती हो गए हैं तो उनको आप अदर काम के लिए दीजिए कि हाँ आप शिक्षक के ना हो करके आप ये काम कीजिए, ताकि जो आप संवारने का भविष्य संवारने का काम कर रहे हो, जो इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में जाए, लेकिन जो आपके एग्जाम को पार ना कर पाए उनको अदर कामों में लगाइए। ऐसा क्या हो रहा है कि आप चुनाव आ रहा है, भारत में चुनाव को एक ऐसा कहा जाता है कि ये एक मेले की तरह होते हैं, एक त्यौहार की तरह होता है, लेकिन आप उस त्यौहार में बच्चों का भविष्य क्यों अंधेरे में डाल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इसी बात को लेकर के मैं एक बार यहाँ पे नई शिक्षा नीति को लेकर आऊंगा कि नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति को लेकर के एक कहा जा रहा है कि ये आने भारत को लेकर के एक बड़ी बड़ी कदम है और आने वाला समय भारत के लिए सुनहरा होगा इस शिक्षा नीति से, और जो भविष्य विद्यार्थियों का भविष्य होगा, आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे एक अपने लिखे एक 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 टू लाइनर बोल सकते हैं उसको, तो मैं उसको यहाँ पे बोलना चाहूंगा। कलम से आसमान नापता हूँ, पत्रकार हूँ, आईना दिखाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जितने हमारे गुरुजन हैं उनको ये समर्पित है, क्योंकि कलम से आसमान नापने की जो आपने हमें ताकत दी है उसका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनू, वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा आई थिंक और स्ट्रक्चर होता तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है ना, और मतलब उम्मीद करते हैं ऑफलाइन जैसे ही शुरू होगा, आइडिया एक्सचेंज डिबेट का जो शुरू होगा तो आप पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा बोला आपने, थैंक यू। नेक्स्ट अप इज तनिषा, रितिका प्लीज गो अहेड। Good afternoon to all the teachers. First of all, I would like to wish everyone a very happy Teachers Day. To be true, मैंने कुछ prepare नहीं किया है. I'll speak whatever I feel for everyone and whatever I feel for teachers. So मैं पहले शुरू करना चाहूँगी दो lines के संग. ये मैंने काफी पहले lines पढ़ी थी, पर मैं जब ये line मुझे याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइंस टीचर्स के ऊपर सबसे फिट बैठती है। तो ये लाइंस हैं, तुम्हारे दर तक आने तक बहुत कमजोर होता हूँ, पर दहलीज छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो मुझे लगता है हमारा जो रिश्ता शिक्षकों के साथ है बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होते, उनसे मिले नहीं होते, तो हमारी लाइफ में कुछ अधूरा सा रहता है। अधूरा नॉलेज, मैं बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, जिंदगी जीने का तरीका, वैल्यूज, सब कुछ हम ये कॉलेज और स्कूल्स में सीखते हैं। तो और जैसे ही हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमारी जिंदगी में कमी सी पूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइंस हैं ये टीचर्स के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठती है। आचार्य के बिना अर्जुन नहीं है और चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त नहीं है, ठीक उसी तरह हर एक टीचर के बिना हर एक छात्र का जिंदगी में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं सच बोलूं तो
मुझे लगता था कि टीचर का जॉब है कि आप 6 घंटा पढ़ाओ, घर जाओ, एंड इट्स क्वाइट सिंपल सा चीज. बट मैंने टीचिंग किया तो मुझे फील हुआ इट इज क्वाइट अ टफ जॉब. इट इज सिर्फ 6 घंटे की बात नहीं है, उसके पीछे का बहुत सारा हार्डवर्क है, बहुत सारा जॉब. आप सिर्फ हमें बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, जिंदगी मतलब कैसे जीनी है, आगे हम क्या क्या हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी उनसे हम कैसे कोप अप करें, ये सारी चीजें टीचर करता है. और वो सिर्फ टीचर ही नहीं है, कभी वो पेरेंट्स की तरह हमें गाइड करेगा, कभी एज अ फ्रेंड वो हमें बताएगा जो भी हमारे लाइफ में सिचुएशंस आई हैं उनको हम कैसे हैंडल करें. एंड तो मेरे लिए बेसिकली, और जैसे जैसे अब हम बड़े हो रहे हैं और ये चलती दुनिया में हम अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे वैसे जो आप लोगों का संघर्ष है वो मुझे और बड़ा दिखता जा रहा है. क्योंकि पहले लाइफ सब कुछ बहुत इजी और सेटल्ड लगता था, पर अब जब हम खुद ये सारी चीजें कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि ये सारी चीजें करना कितना मुश्किल है और आप लोग इसको इतने आसानी से हैंडल कर लेते हैं. एंड फिर बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं कि हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो मैं सारे टीचर्स के बारे में जो मैंने अभी तक नोटिस किया जितना मैंने क्लासेस किया, मैं वो बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं मोहंती सर के बारे में बताती हूँ. जब हमारा क्लासेस शुरू हुई थी तो सर हमारा हर वीक में एक क्लास लेते थे एंड सर हमसे बोलते थे कि कोई भी बुक पढ़ के आओ एंड यू नीड टू स्पीक अबाउट इट. टू बी ट्रू, स्टार्टिंग में लगता था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये वाला फीलिंग आता था. टू बी वेरी ट्रू, बट उसके बाद जब हमने पढ़ना शुरू किया तो अच्छा लगा पढ़ के. मतलब पहले हम इतना देर देर तक बैठ के पढ़ नहीं पाते थे, इट वॉज लाइक आधा घंटा पढ़ा फिर हम छोड़ दिए फिर नेक्स्ट डे पढ़ लिया, बट उससे पढ़ने की आदत हम में आई. और हम हर बुक से क्या सीखे, सर हमेशा हमसे बोलते थे कि ये हमें बताना जरूरी है कि हमने बुक से क्या सीखा. आज तक हम क्या करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, इट इज डन, अच्छी लगी एंड वी जस्ट लीव इट. बट सर ने बोला कि हम उसे इस पर्सपेक्टिव में पढ़ें कि हमने उससे अपनी लाइफ में क्या सीखा और हम लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और मैंने बेसिकली जनरली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी एंड इट हेल्प मी अलॉट. तो ये बेसिकली मोहंती सर के गाइडेंस से ही हो पाया. जब उन्होंने हमें पहले वो हमें लगता था दिस इज वी आर डूइंग दिस फोर्सफुली, पर बाद में ये आदत पड़ गई एंड ये चीज मैं काफी मतलब जो मुझे सर की अच्छी लगी. सेकेंडली मैं बात करूंगी पीसी सर के बारे में. पीसी सर मुझे इतने मोटिवेटिंग टीचर लगते हैं, आई कैन टेल यू, मतलब ही इज सो, आप कुछ भी आप काम नहीं करके आओ करके आओ, इज ऑलवेज सो सपोर्टिंग. वो आपको बोलते हैं कि हमें बाहर जाके काम करना है, ये हमें बाहर की लाइफ में कैसे सेटल होना है वो हमें ये सिखाते हैं. और हमेशा मोटिवेटिंग ही वर्ड्स सर के होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम में कुछ कमियां कुछ है. सर सबको ऐसा फील कराते हैं कि एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल. सर के अंदर ये वाली बात मुझे बहुत पसंद है, हर एक बच्चे पे इक्वल ध्यान और हर एक बच्चे को स्पेशल फील कराना इस सर की खासियत. एंड झा सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली झा सर मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया, ही हैव नॉलेज अबाउट एवरी थिंग. जब सर सीए पढ़ाना शुरू करते हैं इट इज लाइक कि सर जो बताते हैं, मतलब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो हम लोग बिल्कुल ऐसे अचंभित टाइप रह जाते हैं कि मतलब इतना सब कुछ, मतलब अगर हम एक बूंद है तो सर सागर है और ऐसा लगता है कि हम इससे कितना कुछ ले सकते हैं. और अगर हम यही सब करते रहे तो हम आगे लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे सर से ये नॉलेज लेके. एंड निशान सर के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि निशान सर बेसिकली अभी हमारी सर के संग क्लास कम हो रही है, हमने स्टार्टिंग में बहुत पढ़ा था. तो सर नॉट ओनली हमें ये जो बुकिश नॉलेज है ये सब बताते हैं, बाहर का भी कैसे हैंडल करना है. और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो द फर्स्ट पर्सन जो हमारे माइंड में आता है वो है निशान सर. ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो ये चीज मुझे सर की अच्छी लगती है. एंड देन सचान सर के बारे में आई वुड लाइक टू से ही इज द कूलेस्ट टीचर एवर. मतलब ही इज वो आपको इतना, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो आपसे बोलेंगे. जैसे आई लाइक टॉकिंग फॉर रेडियो, तो अगर सर की कैमरा की भी क्लास है बीच में अगर आप सर से इस बारे में बात करना चाहोगे ही टॉक टू यू एंड से कि आप उन्हें एक रिकॉर्डिंग करके भेजो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. मतलब सर कभी भी अगर सर को बीच से रोक के हम कुछ और बात करना चाहें रिगार्डिंग कोर्स तो सर कभी भी आपको मना नहीं करेंगे. एंड ही ऑलवेज मोटिवेट्स यू कि हम कैसे, और सर बताते भी हैं कि यू शुड अप्लाई हेयर, अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए, आपके लिए क्या ज्यादा बेटर रहेगा. तो जिस तरीके से सर गाइड करते हैं वो बहुत मुझे अच्छा लगता है. एंड देवेंद्र सर के बारे में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो टफेस्ट टास्क है हम लोगों की प्रॉब्लम सुनना और वहां से मैनेज करना वो है देवेंद्र सर का. हम सर को बहुत कॉल करते हैं, बहुत परेशान करते हैं एवरीवन,
कि मतलब ये हो गया वो हो गया, तो मतलब सर जिस तरीके से सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं इट्स क्वाइट कमेंडेबल, क्योंकि हर कुछ भी कोई नोटिस आता है द फर्स्ट थिंग इज हम सीधे कॉल कर देते हैं देवेंद्र सर को टू हैंडल इट, तो सर काफी अच्छे से समझाते हैं और सब ट्राई करते हैं अपनी तरफ से वो हमारी कितनी ही हेल्प कर सके। तो बेसिकली अभी यहाँ के टीचर्स से मैं जितना भी मिली मैंने ये सारी चीजें सीखी, एंड मैंने अभी अभी मतलब चार लाइन मेरे लिखी हैं, होपफुली आई एम वेरी बैड इन राइटिंग पोएम्स एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स बट आई विल ट्राई टू से। आप नहीं तो हम आप है तो हमारे अफसाने हैं, हमारी कामयाबी के चर्चे इतने सुहाने हैं, आप है तो आज का सपना कल को अपना है, आप नहीं तो सपना महज एक सपना है। तो इसी लाइन्स के संग मैं ये अपनी स्पीच खत्म करना चाहूंगी एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड आई वुड लाइक कि हमेशा हमें आपकी गाइडेंस मिलती रहे। थैंक यू। थैंक यू रितिका फॉर दैट वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अप नेक्स्ट इज शुभम। एक्सक्यूज मी सर। हां कुसुम बोलिए। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मुझे भी बोलना। ओके ओके कुसुम यू कैन गो अहेड यू कैन प्रेजेंट। छोटी सी पोएम लिखी है सर डियर टू टीचर्स। सो दीपक सा जलकर फैलाते हैं प्रकाश, भूख नहीं इन्हें दौलत की न लालच की कोई आस। दीपक सा जलकर फैलाते हैं प्रकाश, भूख नहीं इन्हें दौलत की न लालच की कोई आस। सही क्या है गलत हमें ये बताते हैं, सब सोचता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं। गुरु से ही है खुद पर विश्वास, गुरु से ही लगता सब कुछ का। जीवन में राह दिखाकर सही पथ पर चलना सिखाते हैं, रोज नई उम्मीद देकर हर पल को नया बनाते हैं। हर वक्त हमारे साथ चलकर करते हमारे गुरु की तलाश, तराश कर पूरी शिद्दत से बनाते हैं हमें सबसे बेस्ट। चुनौती को स्वीकार करना आप ही हमें बताते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहना ये आप ही हमें सिखाते हैं। सच्ची मानवता का पाठ पढ़ाकर आपने ही बनाया हमें इंसान, श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाकर करते हैं आपको प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुसुम, वेरी ब्यूटीफुल एंड टचिंग पोएम। शुभम I think Tanu would like to present on behalf of Shubham. Yeah, Shubham is connected wahi pe. Tanu, can you please ask Shubham to present? Yes, sir. Shubham, yeah. Yes, Shubham, please go ahead. Yes, sir. सबसे पहले तो आप सभी शिक्षकों को और सभी जो यहाँ बैठे हैं, मतलब not only शिक्षक जो सारे मेरे seniors हैं, कुछ फिर मेरे कुछ दोस्त भी हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि सिखाने वाला हर कोई शिक्षक होता है, जरूरी नहीं वो बाय प्रोफेशन ही शिक्षक हो, तो इसलिए सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बिलेटेड। बिल्कुल। और सर शुरुआत में ऐसे करना चाहूँगा कि सभी कहते हैं और सब जानते भी कि पहली शिक्षक सभी का माँ होती है, तो मेरी माँ बाय प्रोफेशन भी शिक्षक है और ऐसे भी वो टीचर है, तो मेरे लिए हमेशा से मेरी प्रेरणा स्रोत, मेरा हर चीज, मुझे कैसे लाइफ में जीना है और कैसे लाइफ को इंजॉय करना है हर मोमेंट को, वो मेरी माँ ने सिखाया है, तो इसलिए उनको मैं अपना सबसे बेस्ट टीचर मानता हूँ। फिर एक होता है हर स्टूडेंट के लाइफ में कोई ना कोई एक अच्छा टीचर होता है हर स्टूडेंट के लाइफ में, चाहे वो बच्चा भले एकेडमिक्स में अच्छा ना हो लेकिन एक टीचर जरूर होगा उसके लाइफ में जिसने उसको कभी ना कभी मोटिवेट किया था, तो हर के पास एक होता है। लेकिन मेरे पास इस बात का है कि मेरे पास ऐसे खदान भरे पड़े हैं, मतलब लिटरली मेरे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं कह सकता हूँ उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शुरुआत में मुकेश सर से करूँगा जो मेरे स्कूल के टीचर थे। मुकेश सर ने मेरे लिए मैथ्स को जो इजी बनाया था और जो वे ऑफ टीचिंग उनका था, एक सॉन्ग के तरीके से वो सभी मैथ्स के फॉर्मूलाज और उसको सिखाते थे, तो मतलब लिटरली वो बेस्ट थे मैथ्स टीचिंग में, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। उसके बाद जब मैं स्टैंडर्ड 10th में आया था तब मेरे टीचर थे निशान सर, वहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाते थे, उनसे कंप्यूटर का मैंने सब सीखा। उन्होंने मुझे 10th क्लास के एक स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक सिखाया था उन्होंने और बहुत अच्छा पढ़ाते थे उनका। लेकिन सबसे बड़ा योगदान ये था कि आज मैं यहाँ हूँ तो उनकी वजह से हूँ, क्योंकि 10th के टाइम पे कुछ ऐसे फैमिली सिचुएशन के कारण मैं CBSE का फॉर्म नहीं भर पाया था, तो उन्होंने मेरा फॉर्म फिलअप किया था, उन्होंने मेरे सारे काम किए थे मेरे बिहाफ पे, और उनके ही कारण मैं शायद 10th का एग्जाम दे पाया और आज यहाँ पे हूँ।
तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स के लिए बस यही है कि आज मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है। उन्हीं में अब जैसे जिम्सी में आए थे तो अब जिम्सी की बात करते हैं। तो जिम्सी में जैसे आए तो उस टाइम पे ऑनलाइन चल रहा था, हम सभी अपने घर पे थे, तो एक जो फीलिंग थी सबके मन में, अभी सब जैसे अभी तो सब हैं, सब मिल चुके हैं लगभग टीचर्स से, तो सब समझ गए, लेकिन उस टाइम पे हम अपने घर में थे तो घर में तो सब शेयर होता है, तो उस टाइम पे हमें लगता था कि टीचर्स अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सीरियसली हमने शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया था, और आज भी हम लोग अभी भी जितने लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस होता है हम बहुत ज़्यादा कभी कभी सर से बहस कर जाते हैं, और निशान सर से सबसे पहला हमारा हुआ था, तो निशान सर उसके लिए सॉरी। और एक उम्मीद है कि जैसा आपने हमें एक नाम दिया हमारे बैच को, उस नाम को सर चेंज करेंगे। उम्मीद है कि अगले साल जब हमारा ये कंप्लीट होगा तो जो नाम आपने हमारे बैच के लिए दिया है वो नाम जरूर चेंज करेंगे सर। और फिर बात करते हैं पीसी सर की। पीसी सर मेरे सबसे मतलब कि फेवरेट है, और शायद हमको लगता है उनसे अच्छा कोई हमको गाइड नहीं किया इतने दिनों में। उन्होंने उन्होंने पूरे टाइम जो भी सिखाया, लाइक जब से शुरू में आए थे तब से उन्होंने हिंदी सिखाई, और हिंदी मैं करना चाहता था, और हिंदी का बेसिक चीज जो होता है कि मे के ऊपर आपका बुंदा नहीं है, फिर यहाँ पे ये वर्ड में इधर से उधर से, सर ने जो सिखाया वो बहुत अच्छा था, बहुत बेसिक तरीके से सिखाया। साथ ही पॉलिटिक्स की जब भी बात होती है तो पीसी सर जरूर हमको पूछते हैं और जरूर ये करते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इनकरेज करते रहते हैं वो। झा सर की बात करेंगे तो झा सर भी इनकरेज बहुत करते हैं, सीए उन्होंने बहुत पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिम्सी में ज्वाइन किए एज ए स्टूडेंट वो बेसिकली फैकल्टी के लिए आते हैं यहाँ पे, और फैकल्टी में जब झा सर जैसे टीचर हो जिनका इंटरनेशनल इशूज पे इतना अच्छा पकड़ है तो फिर क्या ही कहना। तो उनके तरीके से हमने जब चाइना के बारे में उनका ये है कि उनको बहुत मतलब लिखा हुआ है जिम्सी के वेबसाइट पे कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और यही सोच के मैं आया था कि इंटरनेशनल इशूज सर से मैं अच्छे से पढ़ूंगा। और जब हम लोग ज्वाइन हुए थे पिछले साल तब चाइना का इशू बहुत ज़्यादा वो अपने चरम पे था, तो उस टाइम पे सर ने हमें बहुत कुछ हिस्ट्री और रसिया फिर चाइना और कम्युनिस्ट के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो सर थैंक यू सो मच उन सभी चीज़ों के लिए। और एक और चीज़ है जो मैं अपने पूरे बैच के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ कि हमारा बैच शायद से जिम्सी के हिस्ट्री में थोड़ा सा मतलब सबसे पीछे वाला बैच रहा है, तो होप कि जैसे ही अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम लोग आप सभी के उम्मीद पे खड़े उतरे, और जैसा आप सभी हमें बनाना चाहते हैं, जो दिशा हमारे करियर को देना चाहते हैं और जो दिशा हम भी अपने करियर को देना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सके आप सभी के मार्गदर्शन में, यही उम्मीद के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू शुभम फॉर योर प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट इज एनीबडी एल्स फ्रॉम BGMC 3 डिप्लोमा और BGMC 5 लेफ्ट। ओके लेट्स गो टू द न्यू बैच एंड लेट्स स्टार्ट विद निगारिस। यस सर, निगारिस आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हैं। ओके सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। Myself, Nigarish Nas, I want to say few lines on Teacher's Day. A teacher is a student. A teacher is a teacher who is a model for students. They are the source of knowledge and wisdom. They stand by us at every step to guide, motivate and inspire to become good person and make future bright. Teachers are greater than the parents because parents give birth to a child, child's personality and provide a bright future. The teacher makes the nation. At last, I say something in Hindi that is written by me. Shiksha se bhare aparampar, shiksha se bhare aparampar, gyano ke bhandar hai wo. Acche acche gun hai dete, yahi to shikshak ki pehchan hai, yahi to shikshak ki pehchan hai. Thank you, sir. Nigar, I think your voice broke down towards the end. Were you able to complete, Nigaris? Yes, sir.
आपका प्रेजेंट आखिरी में आपका थोड़ा सा आई वॉज नॉट एबल टू हियर योर प्रेजेंटेशन, आई थिंक तुम्हारा कनेक्शन कुछ इशू आया था. आपकी कंप्लीट हो गई है ये प्रेजेंटेशन? सर वो हिंदी में जो बोलना था वो थोड़ी सी अनकम्प्लीट रह गई थी. हाँ हाँ वो कंप्लीट कर दीजिए, वो बीच में एकदम से अटक गया था जी. ओके सर. शिक्षा से भरे अपरंपार, शिक्षा से भरे अपरंपार, ज्ञानों के भंडार है वो, ज्ञानों के भंडार है वो, अच्छे अच्छे गुण है देते, यही तो शिक्षक की पहचान है, यही तो शिक्षक की पहचान है. थैंक यू निगारिस फॉर दैट वंडरफुल प्रेजेंटेशन. अप नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकंड. अप नेक्स्ट इज जयेंद्र. जयेंद्र जयेंद्र यस सर प्लीज जयेंद्र यू कैन गो अहेड. यस सर. आदरणीय निदेशक मोंती सर, समस्त अध्यापक एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, मैं जयेंद्र पांडे सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. एक शिक्षक का, एक समाज का निर्माण एक शिक्षक के द्वारा ही होता है और शिक्षक ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं. माँ बाप हमें जन्म जरूर देते हैं लेकिन हमारे चरित्र का निर्माण एक शिक्षक के द्वारा ही होता है. 5 सितंबर को हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था. उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे. सन 1954 में उनको भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया. यकीन मानिए शिक्षक के द्वारा सिखाई गई एक एक बातें हमें जीवन भर हर एक मोड़ पे काम आती हैं. हमारे जीवन को सवारने में एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है. मैं अपना मार्गदर्शक अपने परम पूज बाबा जी को मानता हूँ. वो एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा जगत को समर्पित कर दिया था. उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि जो एक शिक्षक होता है वो ही एक ऐसा प्राणी है जिसके हाथ में तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों होता है. वो चाहे तो तुम्हारा भविष्य बना दे, वो चाहे तुम्हारा भविष्य बेकार कर दे. तो बचपन में एक चीज समझ में आ गई थी कि एक शिक्षक भगवान के समान होते हैं और हमें उनका हमेशा आदर सत्कार एवं स्वागत करना चाहिए. सर मेरी यह व्यक्तिगत सोच है कि वह पीढ़ी कंगाल होगी जिसके पास अपने शिक्षकों का किस्सा ना होगा. मैं अपने भाषण का अंत एक अच्छी शायरी के साथ करना चाहूंगा कि उड़ सकूं क्षितिज के ओर छोर, वो पंख दिए आकार दिए विश्वास दिए, धरती तो ईश्वर ने दे दी थी गुरुवर तुमने आकाश दिए. पुनः आप सभी को कोटि कोटि मेरा प्रणाम धन्यवाद. थैंक यू जैनेन्द्र. निशान सर को कुछ एक ऑफिस का कुछ आ गया था अर्जेंट मैसेज, उनको वहां जाना पड़ा. इसके बाद ये साहिल खटक की बारी है. साहिल है क्या जी? साहिल साहिल मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अप नेक्स्ट इज शमा. शमा
शर्मा अग्निहोत्री यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिस्ट में मेरे पास। ओके वील कम बैक टू शर्मा बात आफ्टर दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। भास्कर हो गया। स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? आ रही है सर। आ रही है। अच्छा अच्छा ओके। भास्कर तिवारी, धनंजय वाजपेयी, यश सक्सेना, प्रवीण भास्कर, मोहित। यस सर। मोहित जुड़ा हुआ है। ओके मोहित, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। या यस सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपने सभी शिक्षक गण को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। वैसे शिक्षक दिवस तो कल था, बट आज हम लोग जुड़े हैं तो मैं आज बधाइयां देना चाहता हूँ। तो शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं और शिक्षक की एक अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में, वो मैंने शायद मतलब पैदा होने से पहले ही सीख ली थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों एक प्रधानाचार्य हैं और मेरे दादाजी भी प्रधानाचार्य। तो जो शिक्षक की एक इम्पोर्टेंस होती है वो मेरे घर में शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शुरू से ही सिखाया गया है कि किस तरीके से एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस प्रोफेशन को। बाय प्रोफेशन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें निस्वार्थ इंसान काम करता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है इसमें। ये एक ऐसी संस्था है जहां से अब्दुल कलाम जैसे लोग भी निकले हैं और जहां से मतलब आप कह दिए लादेन जैसे आतंकवादी भी निकले। तो सिखाने में कमी कोई किसी के नहीं रखता, ये तो सोच की बात होती है कि हम किस तरीके से सिखाते हैं। सिखाता हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट ही है। ये मानसिकता धीरे धीरे बदल जाती है, कुछ गलत लोगों के गाइडेंस मिल जाती है जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं सबसे पहले एक कबीर दास जी की एक दोहा प्रस्तुत करूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीरदास जी ने इसमें यही कहा है कि इस चीज का महिमा का वर्णन किया है कि अगर कहीं पे गुरु और भगवान के बीच में कोई प्रमाण दिया जाए तो सबसे पहले हमें गुरु को ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी संस्था होती है जिसके थ्रू हम भगवान तक, भगवान का साक्षात्कार भी हम गुरु के द्वारा ही कर पाते हैं। तो गुरु की अहमियत हमें बहुत जरूरी है पता करना। और मतलब इसका जो इंडिया में जो शिक्षक दिवस है वो 1962 से मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन से। तो वैसे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो उनका यही कहना था कि मेरे जो जन्मदिन है उसको मेरे जन्मदिन के तौर पे नहीं बल्कि एक शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो यही सारी चीजें हैं। और मेरी अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो एक शिक्षक की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, जब उसको सबसे पहले तो माँ बाप ही उसके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, उसके बाद जब वो एक स्कूल में प्रवेश करता है और जब वहां जाता है तो वो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती, किसी भी तरीके का साक्षात्कार उसकी लाइफ में नहीं हुआ होता है उससे पहले की लाइफ में आगे क्या क्या पड़ाव आने वाले हैं और किस तरीके से उसकी लाइफ को आगे मोड़ मिलने वाले हैं, कितने चैलेंजेस हैं, कितनी चीजें आएंगी। तो उसके बाद एक शिक्षक ही ऐसी प्लेटफॉर्म होता है जहां से
एक स्टूडेंट अपने आप को पूरी तरीके से खोल पाता है, और जिस तरीके से भी चाहे, एक दोस्त के तरीके से, एक मेंटर के तरीके से, जिस तरीके से भी चाहे आप उसको देख सकते हैं, वहां से एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी निकलता है और एक वैसा स्टूडेंट जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो कोई भी शिक्षक एक ऐसा नहीं होता कि वो पार्शियलिटी करे कि इस स्टूडेंट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ाना है, इसको कम पढ़ाना है। वो सबके साथ कोई भेदभाव नहीं करते, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं। ये हमारे खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उन सब चीजों को किस तरीके से लेते हैं। आजकल मुझे एक चीज का अफसोस होता है, जैसे मैं पहले स्टूडेंट था, जब मैं स्कूल वगैरह में जाता था तो तब हम लोग को थोड़ी बहुत सख्ती होती थी, मतलब स्टूडेंट को थोड़ा डांटा भी जाता था, मारा भी जाता था, तो वो एक प्रोसेस होता है किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आजकल अगर जरा सी भी सख्ती की जाती है तो उस पर तुरंत लीगल एक्शन या ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, जो कई तरीके से ठीक भी हैं बगैर गलत भी हैं। कि अगर आपने डांटने पे भी अगर आपने रोक लगा रखी है तो एक स्टूडेंट तो फ्रीडम के साथ उसको जो करना है, क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा है, मगर उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अगर वो क्लास अटेंड कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। जैसे इस बार 10th और 12th के प्रमोट कर दिया गया, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि जिनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ होगा, जो अपनी मेरिट लिस्ट में नाम लगाए बैठे होंगे, उनका नाम नहीं आ पाया होगा उस तरीके से जिनमें वो पोटेंशियल होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके पास होने के भी लाले थे, मगर उनको भी प्रमोट कर दिया गया। तो एक ऐसी चीजें हैं कि शिक्षक से ज्यादा एक अच्छा प्रोफेशन मैं तो नहीं मानूंगा, मेरे तो घर में शिक्षा का पूरा भंडार है और मैं उन सब चीजों को मानता भी हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा एक ही चीज समझाई है और हमेशा मैं उनको फॉलो करता हूँ कि एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, और आप किस तरह से अपने आप को आगे प्रमोट करते हैं, किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के लिए किस तरीके से आप मदद करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ लिख हर कोई लेता है, एक अच्छा इंसान बहुत जरूरी है बनना, वो ज्यादातर लोग नहीं बन पाते हैं। पढ़ना लिखना तो एक प्रोसेस है आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, धन्यवाद। Sorry. Thank you, Mohit, for that wonderful presentation. Up next is Pankhuri. Hello, sir. Acha. Mansi. Sir, इन लोगों को problems हैं, ये अपने out of town है actually में, तो इसीलिए ये लोग नहीं attend करते हैं, उन्होंने message किया था। ठीक है इंदु शर्मा। यस सर, एक्चुअली सर मैं पहले सॉरी बोलना चाहूंगी, उस समय शायद नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए मैं बोल नहीं पाई जब आपने मेरा नाम लिया था, आवाज मेरी शायद उस पर पहुंच नहीं रही थी, इसलिए मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। एंड जो मैंने प्रिपेयर किया है मेरा प्रेजेंटेशन। इंदु आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक पास में करके बोले। ओके सर, सर मैंने एक पोएम प्रिपेयर किया है तो मैं वो बोलना चाहूँगी। थोड़ा सा आवाज बढ़ा के कोशिश करिए, थोड़ा सा इशू आ रहा है। सर अभी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, प्लीज गो अहेड। सर मैंने एक पोएम प्रिपेयर किया है, पहले तो रिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ टीचर्स, एंड जो मैंने पोएम रेडी किया है जो मैं बोलना चाहूंगी। हम स्कूल रोज में जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते, दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान अमित लिखवाते, जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते, हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना शिखर बताते, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है, गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं, बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप, हमेशा चिंता में आप हमारे रहते, कुछ भी बोले आपसे पर आप कुछ ना कहते, देते हैं अपने स्टूडेंट्स को एकदम निखार, उन अध्यापकों को हमारा सत्सर नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, मैंने इतना ही पूछा। थैंक यू,
Thank you, Pankhudi, for that wonderful presentation. Indu. Thank you, Indu. Thank you. And if अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे छूट गया हो और जिन जैसे अमोघ है, अर्जुन है, पूर्णिमा है, राहुल मिश्रा है, अगर उनमें से कोई बोलना चाहे तो यू कैन गो अहेड एंड स्पीक, नहीं तो देन वी विल ट्राई एंड एंड दिस प्रोग्राम. ओके, सो अरे भाई हाँ शिवदत्त, रविंद्र, अंकित, अंशिता, कशिश, रचना. ओके, before I invite PC sir to give vote of thanks, I would like to thank you guys for the wonderful presentations, and it's actually very heartening to see that in such a short time and at such short notice you were able to come up with such heartfelt and beautiful presentations. Thank you very much, students, and now I would like to invite PC sir to give the final vote of thanks. PC sir. मैं बच्चों को यहाँ पर एकत्रित होने के लिए हम लोग के साथ इस अवसर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन एक इसी तरह से धन्यवाद दे करके दिल नहीं मान रहा, इसलिए मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा जरूर, सिर्फ दो मिनट. वो ये कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह के टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे साथ. तो सिर्फ आपको ये नहीं फक्र होना चाहिए कि सिर्फ अच्छे टीचर से वास्ता, आज तो हम लोगों को लग रहा था कितने अच्छे अच्छे बच्चे. कंचन के बारे में सोच ही नहीं सकता था कि इतना अच्छा वो स्केचिंग कर सकती है और जादू की तरह, पता नहीं क्यों नहीं आई. तनु कप की पोएट्री और बाकी लोगों का तो मैं क्या मैंने देख के दंग रह गया. तो खैर, इन सारी चीजों के लिए और इससे एक नया उत्साह के साथ हम लोग जब फिर से पढ़ाएंगे तो एक नए एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अब फिर से हमको पढ़ाएंगे. और लगता है कि जो बच्चों ने जो 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 प्रेजेंटेशन दिया है, किसी के बारे में भी कुछ कहना बहुत ही कम होगा. रितिका हो, शुभम हो, कोई भी हो, and it's really very impressive, very good. हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं और आपके परफॉर्मेंस को देख करके. तो इस माहौल को बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मौके पर मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ. मैं अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, मोहंती सर को खास करके हम लोग आपकी तरफ से, और हम अपने सहयोगियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं. हमको तो लगा था कि संडे का दिन है, ये टीचर्स दिवस खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इसको इंश्योर किया कि हम बच्चों के साथ जुड़ें और आप लोगों के साथ बातचीत करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. लेट्स मीट टुमारो. बाय 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 बाय.